परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है एक वचन निकालेंगे उसके बाद हम आगे के वचन में जाएंगे मेरे साथ निकालिए यशाया की पुस्तक उसका 43 चैप्टर और इक्कीसवीं आयत यशाया तयलिस फोर्टी थ्री उसका इक्कीसवा आयत मिला सबको यहां पर लिखा है इस प्रजा को मतलब आपको और मुझे मैंने अपने लिए बनाया ये कौन बोल रहा है परमेश्वर बोल रहा है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे मेरी स्तुति करे मेरी प्रशंसा करे मेरा धन्यवाद करे प्यारो आपको और मुझे परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की महिमा करें परमेश्वर का गुणानुवाद करें कैसे करेंगे हमारे जीवन के द्वारा है ना परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन दिया है और ये बातें हम पहले सीख चुके हैं कि जीवन क्या है हमारा जन्म जब होता है और हमारी मृत्यु जब होता है उन दोनों के बीच का जो समय है वो हमारा जीवन है और इस जीवन में हमें परमेश्वर को स्तुति देना है महिमा देना है परमेश्वर की प्रशंसा करनी है परमेश्वर का और नुवाद करना है हमारा जो जीवन है मनुष्य का जो जीवन है वो कई सारी बातों से घिरी हुई है है ना आपका हम परमेश्वर ने हमारे अंदर भावनाएं रखी है ना तो एक हमारा भावनात्मक आयाम है एक क्वेश्चन है इमोशनल क्वेश्चन एक है स्पिरिचुअल एक आत्मिक आयाम है जिससे हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं ना हमारे जीवन के साथ फाइनेंस भी जुड़ा हुआ है है ना जिससे हम उन पैसों से परमेश्वर हमें नौकरी या बिजनेस जो भी दिया है उनके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारे घर में पैसा देता है उससे हम चीज़ें खरीदते हैं और खाते हैं, है ना हमारा जीवन निर्वाह करते हैं फाइनेंशियल आयाम भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है भावनात्मक आर्थिक और कई सारी ऐसे बातों से सोशल है ना सामाजिक हमारे रिश्ते हैं बहन है भाई है चाचा चाची है और एक आत्मिक परिवार भी है जो जो लोग परमेश्वर हमारे जीवनों में लाए उनके साथ हमारा रिश्ता है और एक सोशल लाइफ भी परमेश्वर ने हमें दी है है ना ये सब मिला के हमारा जीवन बनता है तो ये जो हमारा जीवन है उस जीवन में हमें परमेश्वर को महिमा देना है क्योंकि परमेश्वर ने आखिर में हमें इसीलिए बनाया कि हम उनका गुणानुवाद करके उन, उनको स्तुति दे उनको महिमा दे उनको प्रशंसा दे आज का जो मेरा विषय है क्यों ये जीवन के बारे में हम समझ रहे हैं आज का जो मे मेरा जो विषय है वो है परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति हम हर बार जब भी स्टेज पर आते हैं जब आराधना के लिए हम मिलते हैं जब भी वचन के लिए मिलते हैं हम आपको कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है क्यों क्योंकि ये संसार के अंदर जब भी हम जाते हैं कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं है ना? पर एक मौका परमेश्वर हमें देता है कि हम उनकी उपस्थिति में आए कई बार जब एक सामान्य व्यक्ति जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है वो मसीही बन चुका है मसीही बनने के बाद भी कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम, हम समझते नहीं है इसलिए उस आयाम में हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं बहुत सारी बातें हमारे लिए रखी गई है पर उसका हम आनंद नहीं उठा पाते हैं उसको हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते हैं क्यों क्योंकि उन चीजों को हम समझे नहीं है इसीलिए बार बार हमें बोलना पड़ता है जब भी हम आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं वचन सुनने सीखने के लिए इकट्ठा होते हैं हम कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है वो क्यों कहते हैं क्योंकि आप चाहो या ना चाहो आप मानो या ना मानो वहाँ आपकी और मेरी कोई भी योग्यता काम नहीं आएगी कि परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ ना लाए क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जहां पर मेरे नाम से दो या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे किसके नाम से येशु के नाम से आप कैसे हो आपकी योग्यता नहीं है ये ना येशु के नाम से जब मेरे नाम से लोग इकट्ठा होंगे उसके बीच में मैं अवश्य होऊंगा वही वचन हमें आधार देते हैं कि हम आपको कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है जब आप घर में दो लोग मिलते हो परमेश्वर आपके साथ आपके बीच में होता है ओरिजिनल जो जिसमें से ट्रांसलेशन हुआ ओरिजिनल वर्ड वर्ड उसका मीनिंग ये होता है मध्य में मतलब आप जब दो लोग प्रार्थना में बैठते हो तो आपके मध्य में आप दोनों के बीच में प्रभु यीशु मसीह हाजिर होता है पवित्र आत्मा के द्वारा घर में या कहीं पे भी जब हम यहाँ पर भी कुछ स्पेशल प्रेयर रखते हैं पंद्रह अगस्त नहीं लास्ट पंद्रह अगस्त को सुबह तीन बजे से शाम को छः बजे तक हमने देश के लिए देश के अगवों के लिए देश के लीडर्स के लिए बहुत सारी बातें समस्या जिससे देश जूझ रहा है उन सारी बातों के लिए देश की उन्नति के लिए हमने प्रार्थना किया है ना और जब जब हम प्रार्थना में मिलते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में होती है और वो सुनता है है ना? कभी भी अभी यह सोचने की गलती मत करना कि परमेश्वर कहीं दूर बैठा है हमारा आवाज उस तक कैसे जाएगा है ना पुराना नियम और नए नियम का जो डिफरेंस है ना वो समझना पड़ेगा पुराना नियम में जो कुछ भी हुआ वो सीधे सीधा आप नए नियम में जब मैं और आप जी रहे तब उसको सीधा सीधा अप्लाई नहीं कर सकते है ना नया नियम थोड़ा अलग है पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति कभी कभी जरूरत के अनुसार उनके दासों पर आती थी फिर चली जाती थी है ना नया नियम कुछ अलग है वो, वो बातें हम आज सीखेंगे वो बातें हम आज देखेंगे पर इन सारी बातों को गहराई से जानने के लिए समझने के लिए नहीं कुछ भी अगर हमें सीखना है जानना है तो हमने पहले सीखा है कहाँ जाना पड़ेगा आरंभ में उत्पत्ति में है ना तो आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय सातवी सातवीं और आठवीं आयत और पंद्रहवीं आयत उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय सातवीं और आठवीं आयत और पंद्रहवीं आयत सब साथ मिलकर पढ़े एक साथ पढ़ना है आगे पीछे नहीं चलो एक दो तीन तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया आप और मैं और दुनिया में जितने भी लोग अभी जी रहे हैं इस सृष्टि पर जो है हमारे पहले भी जो हुए वो सब आखिर में किसकी संतान है आदम की है ना हम सब उनके वंश में इस पृथ्वी पर आए हैं और यहाँ पर एक अच्छी बात लिखी है कि सब लोग क्या बन गए मतलब आदम जीवित प्राणी बना तो हम भी जीवित हैं और जीवित लोग चुपचाप नहीं बैठे रहते है ना देखो जब भी हम फेलोशिप में आते हैं यहाँ तो ये एक कम्युनियन है इट्स अ फेलोशिप है ना यदि रोमन कैथलिक कोई है तो मैं क्योंकि रोमन कैथलिक था रोमन कैथलिक परिवार में मैंने जन्म लिया हम लोग ऐसा कहते हैं कि हम मां सुनने जा रहे हैं है ना वहां सिर्फ सुनते हैं पर जब फेलोशिप होती है फेलोशिप में कोई एक बोलता रहेगा दूसरा चुप बैठा रहेगा ऐसा होता है नहीं दोनों तरफ है ना दोनों तरफ होता है कुछ यहां से कहा जाता है तो उसको सामने रिस्पॉन्स मिलता है ना तो मैं हम कलिशा आपसे कहना चाहते कि आप रिस्पॉन्स देना सीखे और आपका रिस्पॉन्स ही हमें बताता है कि आप कितने अलर्ट है सुन रहे हैं जाग रहे हैं उंग रहे हैं है ना नींद मार रहे वो रिस्पॉन्स से आपकी प्रतिक्रिया से हमें पता चलता है तो आमीन बोलना सीखिए हाले बोलना सीखिए जहाँ पर हाले आता है वहाँ पर है ना जहाँ पर आमीन कुछ ऐसा Promising word यहां से दिया जाता है आप वहां आमिन बोलना सीखिए, क्योंकि जैसे ही promising word यहां से निकला हितेश या पास्टर जैकविन या पास्टर अमित पास्टर क्रिस्टोफर यहां पर एक उनके सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव की तरह यहां काम करते हैं पर जो बोलने वाला है जो प्रॉमिस देने वाला है वो परमेश्वर का आत्मा है जैसे ही आप उस प्रॉमिसिंग वचन को उस वचन का रिस्पोंडोगे प्रतिक्रिया करोगे वो वचन आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा इसीलिए जरूरी है कि यहाँ आकर सिर्फ मुर्दों की तरह बैठे नहीं रहना है हमें जीवित प्राणी की तरह इसके साथ जुड़ना है है ना जो भी यहाँ से कहा जाता है उसमें हमें शामिल होना है वी आर द पार्ट टेकर्स हम सहभागी होते हैं है ना सिर्फ आप यहाँ सुनने के लिए नहीं आए हो इस वचनों के साथ शामिल होकर जीवन में जीने के लिए आए हो हाल लोहिया Yes. तो यहां पर लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया आठवीं आयत और यहोवा परमेश्वर ने सब साथ मिलकर पूर्व की ओर ऐदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया कहां पर रखा कौन सी वाटिका में अदन की वाटिका में पहले हम सीखे है कि एदन का जो वर्ड उसका मीनिंग होता है उसका अगर पूरा वैसे पांच मीनिंग होते हैं अलग अलग पर उसका उस पांचों का आप उसको शामिल करो और निचोड़ निकालो तो वो होता है परमेश्वर की उपस्थिति उपस्थिति प्रेजेंस तो परमेश्वर ने आदम को रचकर बनाकर कहां पर रखा अपनी उपस्थिति में रखा क्योंकि एदन का जो अर्थ होता है वो ही होता है प्रेजेंस आइए उससे पहले थोड़ी और उत्पत्ति में जाते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय है ना सिर्फ इस पेज पर दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं आयत दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं आयत उत्पत्ति एक जब परमेश्वर ने यह सृष्टि की रचना की तो कैसे किया चलिए पढ़ते हैं एक दो तीन परमेश्वर ने सुखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है आगे फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक, -एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया क्या कहा जो भूमि है भूमि में से क्या क्या उगे भूमि से हरी घास छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष आप नीचे ऐसे नहीं सीढ़ी उतर के नीचे जाओगे वहाँ पर थोड़े प्लांट है सामने वाले घर में थोड़े प्लांट है वो कहाँ पर लगे हुए हैं? मिट्टी में है ना जो पेड़ पौधे आप देखते हो हरी घास जब आप ग्राउंड में जाते हो हरी घास देखते हो वह वह कहाँ पर लगी हुई है मिट्टी में मान लो कि उस घास को आपने पकड़ कर या कोई प्लांट ले लो आपको जो भी अच्छा प्लांट पसंद है वो उसको इमेजिन करो है ना वो प्लांट ले लो उस प्लांट को आप हाथ से पकड़ कर उसको खींचोगे जमीन से उखाड़ोगे और आप सोचोगे कि ये इसको मेरे घर ले जाता हूँ आप ले भी जाते हो और घर पे जाके ऐसे ही रख दिया और आप सोचने लगोगे कि ये मेरे घर में एकदम अच्छा फूले फले और उसके ऊपर फल लगे फूल लगे क्या आएगा क्यों मिट्टी से वो अभी निकल चुका है उखड़ चुका है परमेश्वर ने कहा था कि भूमि में से वो उपजे है ना भूमि में से वो निकले तो उनका जो जीने का आधार है वो क्या है मिट्टी, मिट्टी। जब तक वो भूमि के साथ मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है उनके संग जुड़ा हुआ है तब तक उसमें जीवन है जैसे ही वो मिट्टी से उखड़ जाएगा और उसको कोई मिट्टी आगे नहीं मिलेगी वो आधार नहीं मिलेगा उसमें प्राण नहीं रहेगा उसमें जीवन नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे और उनका जो आधार है परमेश्वर ने जो उनको रचा है वो है एक एनवायरमेंट भूमि का एक एनवायरमेंट जिससे उसको पोषण मिलता है में नाइट्रोजन मिलता है जब वहां पानी मिट्टी दोनों मिलेगा वो बढ़ेगा जीता रहेगा और, और भी बड़ा होगा आगे उत्पत्ति उसके पहले ही अध्याय में बीसवी आयत बीसवी आयत एक मिनट सब साथ मिलकर एक दो तीन चलो नहीं एक मिनट एक मिनट बीसवी आयत ओके बाइबल में से पढ़ते हैं चलो वन टू थ्री फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े पहले किसकी बात की जल के अंदर जो सजीव सृष्टि है है परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो जो पानी है पानी के अंदर आज जितनी भी कई लोग खाते हो ना खाते हो पर मछलियाँ है ना और भी कई बड़े बड़े ऐसे प्राणी हैं कई कभी आप डिस्कवरी में देखना शायद आपने जिसकी कल्पना भी ना की हो है ना एक वेल इतनी बड़ी होती है जो जहाज कभी यदि आपने देखा हो तो उससे भी ज्यादा बड़ी भी वैल होती है और भी कई प्राणी हैं जिसके नाम भी मुझे भी अभी याद नहीं है ना जब देखा था तब देखा था तो परमेश्वर ने एक सजीव सृष्टि बनाई भूमि के ऊपर उसका आधार क्या था जीवन का मिट्टी वो उसके जीवन का आधार था वहां से उनको न्यूट्रिशन मिलता था दूसरी जो सजीव सृष्टि बनाई वो पानी में बनाई और पानी में मछली और ऐसी कई चीजें हम मछली ले लेते हैं ना आपको जो भी पसंद हो उस मछली को आप पानी में से निकालोगे और सोचोगे कि वो आपके साथ खेलती रहे है ना तो क्या वो जीवित रहेगी कब तक जीवित रहेगी हाँ जब तक वो फिर से पानी में नहीं जाएगी तो जीवित रहेगी अगर आपने बाहर निकाल लिया तो वो मर जाएगी। ये बच्चों को एक गाना बचपन से सिखाया जाता है ना ऐसा कुछ गलत नहीं है ना क्या है वो गाना मछली जल की रानी है जीवन उसका क्या है जीवन उसका है। हाथ बाहर निकालो मर जाएगी बाहर निकालोगे तो मर जाएगी कहां से बाहर निकालोगे पानी में से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी तो जो जल के अंदर जो जीवित सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई उसके जीवन का आधार क्या है पानी वो एनवायरमेंट परमेश्वर ने बनाया परमेश्वर ने जो जीवों को बनाया परमेश्वर वो महाज्ञानी है है ना उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है उनको पता है कि ये मछली को जीने के लिए पानी के अंदर रहना बहुत ही आवश्यक है इसीलिए जल के अंदर की जीव सृष्टि को उसको उन्होंने पानी के अंदर बनाया जल के अंदर बनाया जो भूमि के ऊपर जीवित रह सकता था उसको परमेश्वर ने भूमि के ऊपर बनाया और वहां पर रखा यदि भूमि के ऊपर से पेड़ को उखाड़ कर बाहर निकाल दोगे तो वो मर जाएगा है ना पानी के अंदर से मछली को निकालोगे बाहर रखोगे तो वो मर जाएगी जब तक मछली पानी में है वो जिंदा है वैसे ही जैसे हमने उत्पत्ति दो सात आठ पढ़ा परमेश्वर ने जब आदम को बनाया परमेश्वर ने उनको अपनी हुजूरी में रखा अपनी प्रेजेंस में रखा जब तक मनुष्य परमेश्वर की प्रेजेंस में है वो जिंदा है।, है ना यदि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाएगा दूर भागेगा तो वो मरने लगेगा और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया अपनी हुजूरी में रखा एक है शारीरिक मृत्यु और एक है आत्मिक मृत्यु और सारी बातें सारी घटना आप आगे जानते हो है ना मनुष्य का जीवन का जो आधार है वो है परमेश्वर की प्रेजेंस परमेश्वर की उपस्थिति पर आदम के विषय में भी आपको पता है आगे जाकर क्या होता है आदम और हवा को परमेश्वर आज्ञा देता है हरेक एक जो भी पूरी वाटिका थी वो सब उनको दे दिया था है ना और परमेश्वर ने आज्ञा दी और हम पूरा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि आगे हमें काफी सारी बातें सीखनी है, है ना तो परमेश्वर ने आज्ञा दी और उस आज्ञा का पर, आदम और हवा ने उल्लंघन किया और आज्ञा का उल्लंघन उसको हम क्या कहते हैं पाप है ना और जैसे ही पाप ने प्रवेश किया बाइबल कहती है कि पाप की मधूरी मृत्यु है एक है आत्मिक मृत्यु एक है शारीरिक मृत्यु हम दूसरे अध्याय में यदि आप आयत से आगे पढ़ोगे आयत, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाए और उसके बाद जब आदम और हवा से ये आज्ञा का भंग होता है उनके लिए क्या क्या उनको सहना पड़ता है जो ऐदन की वाटिका है उसमें से उनको निकाल दिया जाता है दो दो दिन ऐसे है कि जहाँ परमेश्वर सबसे दुखी हुआ था और सबसे पहला जो दिन था जहां परमेश्वर दुखी हुआ था ये ये था जब आदम और हवा ने पाप किया और उनको उनकी उपस्थिति में से निकालना पड़ा निकाला नहीं निकालना पड़ा है ना दूसरा दिन कौन सा है वो आप होमवर्क आपके लिए है ना अगर जवाब नहीं मिलेगा तो कभी मैं दूंगा दूसरा दिन कौन सा है कि जब परमेश्वर दुखी हुआ था वहां प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हिंट देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु यदि हो सके तो ये प्याला वहाँ मृत्यु या कष्ट दुख की बात है ही नहीं है ना उसी के लिए प्रभु यशु आए थे पर वो दूसरा दिन था जब परमेश परमेश्वर दुखी हुआ था है ना कि ये प्याला मुझसे ले वो किस बारे में बात थी वो आप समझोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा तो जब आदम और हवा को अपनी उपस्थिति में से निकाला गया और वहाँ पर परमेश्वर दुखी होता है क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया ही है पहली आयत जो हमने शुरुआत की थी कि हम उसका गुणानुवाद करें उसकी फेलोशिप में रहे उसकी संगति में रहे हम परमेश्वर के साथ जीने के लिए बनाए गए हैं पर वहाँ से हमारी हमारे बाप दादा हमारे जो पूर्वज थे आदम उनकी आज्ञा भन के कारण हम वहाँ से निकाले गए हम परमेश्वर से दूर हुए देखो आपका दोस्त कहीं दूर किसी शहर में या विदेश में हो सकता है आप कम्युनिकेशन में रह सकते हो है ना उनसे बातचीत कर सकते हो उनके संपर्क में रह सकते हो पर वहाँ फेलोशिप नहीं होगी है ना फेलोशिप कब होती है जब वो आपके घर आएगा या आप उनके घर जाओगे या कहीं बैठ कर आप एक साथ समय बिताओगे तब फेलोशिप होती है कम्युनिकेशन रहा बट फेलोशिप संगति प्रभु के साथ की संगति टूट गई छूट गई परमेश्वर ने उनसे रिश्ता नहीं तोड़ा है है ना पर जो फेलोशिप थी परमेश्वर की हुजूरी में जो रखा था आदम को एक वो आत्मिक रीति से भी जीवित था और शारीरिक रीति से भी जीवित था अभी वो वहाँ से क्योंकि उसने पाप किया वो आत्मिक मृत्यु की ओर चल पड़ा पर परमेश्वर वो दया का सागर है वो भला परमेश्वर है और इसीलिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना की थी उन सारी बातों को यदि हम समझे प्यारो देखो परमेश्वर को सब कुछ पहले से पता है क्यों क्योंकि वो ही आदि है वो ही अंत है वो ही आल्फा है वो ही ओमेगा है कुछ भी उनके बाहर उन उनके ध्यान में ना हो ऐसा कुछ नहीं वो सब कुछ जानता है इसीलिए यदि प्रकाशित वाक्य में एक वचन है कि सृष्टि के आरंभ से पहले वध्य किया हुआ मेमना है ना वो सारी बातों में डिटेल में नहीं जाएंगे पर परमेश्वर ने ऑलरेडी योजना बना दी थी क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं ना परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और परमेश्वर ने मसीहा के रूप में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है उनके आने के लिए उनके आगमन के द्वारा उनके कृषि बलिदान के द्वारा एक बड़ी योजना करके रखी कि फिर से जिस मनुष्य को उसने अपनी हुजूरी में रहने के लिए बनाया है जो अभी वो हुजूरी से बाहर या दूर निकल चुका है और उसको फिर से उसमें स्थापित होने के लिए परमेश्वर ने योजना बना दी थी वो योजना क्या है आगे हम देखते हैं पर उसके पहले जैसे ही आदम को वहाँ से निकाला गया दो नहीं उनके पुत्र हुए कौन काइन और हाबिल। देखो जैसे ही वो बाहर आए वहाँ नहीं शुरुआत हो गया क्या हुआ एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया क्या ये परमेश्वर ने बनाया था ऐसा करे वो नहीं पर जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में से बाहर आए देखो इसको कैसे माल फंक्शनिंग है ना कि जिस चीज के लिए जिसको बनाया है अभी वो नहीं करेगा पर वो कुछ और ही करेगा विपरीत करेगा मछली अगर छोटी हो ना तो आपको कुछ नहीं करेगी पर बड़ी मछली को बड़ी मछली को आप निकाल के उनका मुंह पकड़ के देखिए वो काटेगी आपको उसको परमेश्वर ने काटने के लिए नहीं बनाया है पर जैसे ही जिस आधार पे, जिस एटमोस्फियर में परमेश्वर ने उनको रहने के लिए बनाया है कि जहाँ वो जीवित रहे वहां से उनको बाहर निकालोगे तो वो कुछ विपरीत ही करेगा है ना तो वो काटती है मछली वैसे ही यहाँ जब आदम और हवा निकल गए उसके जो संतान हुए वहां नहीं एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर किया मार दिया उसके लिए नहीं बनाया था पर वो हुआ क्यों क्योंकि अभी वो परमेश्वर की सीधे परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं है परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर है और इसी की इसी के कारण धीरे धीरे धर्म की शुरुआत हुई धर्म क्या है आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करें रीत रिवाजों के द्वारा कि भाई फूल चढ़ाएंगे नारियल चढ़ाएंगे है ना, मोमबत्ती चढ़ाएंगे तो परमेश्वर खुश होगा वो है धर्म है ना यहाँ धर्म की बात है ही नहीं पूरा बाइबल में कहीं पे भी धर्म की बात नहीं है पर वहाँ से रिलीजन की एक धर्म धार्मिक विधियाँ और रीतियों की शुरुआत होती है जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ जुड़े रहे और इसी के कारण आप जैसे जैसे बाइबल में आगे पढ़ते हो पवित्र शास्त्र में आगे बढ़ते हो वहाँ पर देखो परमेश्वर की उपस्थिति की खोज बन जाती है लोगों के लिए इसीलिए जब आप को परमेश्वर ने चुना आप्रह्म उनके पीछे चलने लगा उनको किसी ने नहीं सिखाया था पर वो एक जगह पर आता है और परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है ना वहाँ से परमेश्वर को आभार स्तुति करता है एक वेदी बनाता है वो क्या है परमेश्वर की उपस्थिति की को खोजना उसके बाद यदि आप आगे याकूब अब्राहम उसका बेटा इसहाक और उसका बेटा याकूब याकूब के विषय में भी आप पढ़ो तो एक जगह पर वो आता है उत्पत्ति 28 में ये बात लिखी है हम निकालिए उत्पत्ति 28 हम निकालेंगे दस से सत्रह कोई मेरे लिए पढ़िए अगर मिलता है जोर से आप पढ़िए उत्पत्ति अट्ठाईस दस से सत्रह नहीं एक चलो मैं ही आपके लिए पढ़ता हूं याकूब उत्पत्ति दस अट्ठाईस दसवीं आगे याकूब बेरसबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान में सो गया तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा यह क्यों प्रभु कहता है क्योंकि अब्राहम के साथ वाचा बांधी गई थी चौदहवीं आयत और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले जाऊंगा लौटा ले आऊंगा मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लू तब तक तुझको न छोड़ूंगा तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में है भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा देखो पुराने नियम में जितने भी प्रभु के दासों ने वेदी बनाई एक ऑल्टर बनाया जहां से उस समय के हिसाब से परमेश्वर की वो आराधना करते थे परमेश्वर को धन्यवाद करते थे परमेश्वर का गुणानुवाद करते थे हरेक एक, एक वेदी वो पोर्टल है जो स्वर्ग के द्वार को खोलता है है ना हर एक, एक वेदी नए नियम में कुछ अलग है नए नियम में आप ही यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो जब भी आप प्रार्थना करते हो ना आप खुद एक पोर्टल बन जाते हो पुराने नियम में वेदी बनाकर वहां आराधना की जाती थी वहां अर्पण चढ़ाए जाते थे नए नियम में आप खुद परमेश्वर का ऑल्टर हो हम खुद परमेश्वर की वेदी है जब भी हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद करते हैं हमारा पोर्टल मतलब जहां से एक स्थान से दूसरी जगह जाना और आना तो हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है और वहां से हमारे लिए उत्तर आता है यहां पर जब याकूब इस जगह पर आया ये जो शुरुआत है कि याकूब बेरसभा से निकल हारान की ओर चला वहां पर जहां पर याकूब अभी सोया है पत्थर लेकर उसी समय पर कभी उनके दादा ने एक वेदी बनाई थी याकूब को तो कुछ नहीं पता था क्योंकि वो उस वचन का वारिस है परमेश्वर उस स्थान पर अभी याकूब आया है जहां ऑलरेडी अब्राहम ने कभी वेदी बनाकर प्रार्थना की थी वो पोर्टल अभी भी खुला हुआ है और क्योंकि ये उनका वारिस है परमेश्वर उनके साथ बात करते हैं और वो क्या देखता है स्वर्गदूतों को एक सीढ़ी देखता है कि जो स्वर्ग तक गई है और परमेश्वर के स्वर्गदूत नीचे आ रहे हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूत ऊपर जा रहा ये सारी बातें को ये देखता है और वो घबरा जाता कि ये तो परमेश्वर का भवन है परमेश्वर का स्थान है पर प्यार वो पुराना नियम था है ना और यहाँ पर याकूब ये अनुभूति करता है और ये पहला उनका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर था एक स्वप्न के द्वारा इन बातों को वो समझता है यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति उनके अंदर नहीं थी पर उनको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ अनुभव हुआ क्यों क्योंकि वो अब्राहम के वाचा के साथ जुड़ा हुआ था उनका वारिस था परमेश्वर जैसे जैसे उनके दासों को आगे भी आप देखो पुराने नियम में तो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं सामसुन के ऊपर कब आई जब जरूरत थी तब दाऊद के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति कब आई जब जरूरत थी तब पर नए नियम में बहुत ही अलग बात है नया नियम क्या है देखो पुराने नियम में आदम और हवा ने परमेश्वर ने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है ना के द्वारा और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस सृष्टि पर होना था क्योंकि जो जो आदम ने खोया है जो जो आदम ने गवाया है वो परमेश्वर फिर से आपको और मुझे देना चाहते थे है ना और इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई थी और उस योजना के तहत खुद परमेश्वर प्रभु येशु मसीह सृष्टि पर आते हैं उस सृष्टि पर आने के लिए जो भविष्यवाणियां भी दी गई वो भविष्यवाणियों में से एक यशाया सातवा अध्याय चौदवी आयत वो कहता है कि आपके लिए एक चिन्ह परमेश्वर ठहराएगा और वो चिन्ह क्या होगा कि कुंवारी एक पुत्र को जनेगी मतलब एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा इमानुएल उसका अर्थ क्या होता है परमेश्वर हमारे साथ है क्यों क्योंकि आदम के साथ था जो आदम ने गवाया वो आदम को आदम के पुत्र यानी कि हम जो उनके वारिस हैं उनको परमेश्वर वापिस देना चाहते थे इसीलिए जो वचन भी दिया गया कि इमानुएल उनका नाम रखा जाएगा परमेश्वर हमारे साथ वही प्रेजेंस जो लोगों ने खो दी थी आदम ने खो दी थी वो हमारे साथ फिर से रिस्टोर हो वो परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना चाहता है अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है अपने लोगों के अंदर रहना चाहता है हमेशा उनके साथ इसीलिए जो वचन भी दिया गया कि इमानुएल उनका नाम रखा जाएगा वो जब अवतरित होगा उसका अर्थ ही होता है परमेश्वर हमारे साथ रहेगा हालेलुया यहुन्ना रचित सुसमाचार उसका चौदहवायत चौदहवा अध्याय अठारह उसके आगे प्रभु यीशु मसीह भी जब नहीं इस प्र, प्र, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए रोगियों को चंगा किया मुर्दों को जिलाया दुष्टात्माओं से जो पीड़ित थे उनको छुटकारा दिलाया मसीहा के रूप में पूरी मनुष्य जाति के लिए क्रूस के ऊपर अपना बलिदान किया जो भी कीमत चुकानी थी जो पाप की मृत्यु मजदूर ने मजदूरी मृत्यु है उस मृत्यु की जो कीमत चुकानी थी वो उन्होंने चुकाई अपना पवित्र लहू बहाया और जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया वो सब अब क्या हो गए परमेश्वर की संतान हो गए और जब प्रभु यीशु मसीह अपना इस पृथ्वी पर का काम पूरा करने के बाद वो जाने वाले थे जाने से पहले वो अपने चेलों को और अपने चेलों को जो बातें दी अपने चेलों ने हम तक पहुंचा दी है ना उनके जो चेले थे उन्होंने ये बातें हम तक पहुंचा दी और क्या कहा था प्रभु ने अपने चेलों को यमुन्ना चौदहवा अध्याय अठारहवीं आयत और बाद में छब्बीस निकालना उसके बाद है ना मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारे पास आता हूँ यहाँ तो प्रभु जाने वाले थे और जाने से पहले ये वचन कहते हैं और छब्बीसवीं आयत निकालिए ओके परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा सोलहवा अध्याय सातवीं आयत और बारह और बारह से चौदहवीं आयत 16वां अध्याय युना का ही सोलहवा अध्याय सातवीं आयत सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा प्यारो देखो ये योजना को समझिए सिर्फ प्रभु यीशु का आगमन ही और उनका पूर, काम पूरा करना वहाँ योजना खत्म नहीं होती है ओरिजिनल जो आदम ने परमेश्वर की प्रेजेंस को गवा दिया था उसके लिए जो करना था वो प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई बलिदान किया अपना काम उन्होंने पूरा किया और आगे पवित्र आत्मा के विषय में वो बात करते हैं जाने से पहले कि मैं जाऊंगा पर तुम्हारे लिए एक सहायक भेज दूंगा वो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा मतलब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ दूंगा वो पवित्र आत्मा सदा तुम्हारे संग रहेगा पहले परमेश्वर था आदम और हवा के साथ हमारे पूर्वज के साथ जब हम लोग आए तो हमारे पहले जो पीढ़ी हो गई 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह खुद जो प्रतिज्ञा दी गई थी उसके अनुसार परमेश्वर की प्रेजेंस प्रभु यीशु मसीह खुद लोगों के साथ रहे और उनके जाने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा दे दी कि पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हारे साथ रहेगा तो जैसे चेलों के साथ प्रभु येशु मसीह फिजिकल रूप में उनके संग रहे थे साढ़े तीन साल तक उसके बाद चेलों के साथ और उसके बाद हरेक पीढ़ी जो प्रभु येशु मसीह पर विश्वास करती है प्रभु येशु को जानती है परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा अब हमारे संग है हाल परमेश्वर की जो प्रेजेंस जो आदम ने गवाती थी तो प्रभु यीशु मसीह उसको वापस लाए और पवित्र आत्मा के द्वारा आज तक वो प्रेजेंस में परमेश्वर हमें रखता है और नया नियम कहता है कि ये शरीर वो पवित्र आत्मा का मंदिर है वो उसके रहने का स्थान है यहाँ पर पवित्र आत्मा रहता है जो परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर की हुजूरी है है ना अभिषेक को भी यदि जो हम अभिषेक बोलते हैं ना अभिषेक और अभिषेक चाहिए वो अभिषेक क्या है आखिर में वो परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपके संग है हाले है ना चीजों को समझिए तो जितना आप समझोगे उतना आप पाओगे यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह गए जाने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि मैं पवित्र आत्मा एक सहायक आपके साथ भेजूंगा तो आज परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर हमारे ने पिछले दिनों में पास्टर अमित ने ये सारी बातें आपको सिखाई है अभिषेक हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमारे साथ पवित्र आत्मा हमारे ऊपर वो उपस्थिति जो आदम ने गवा दी थी वो ही जो जो आदम ने खोया वो प्रभु ने रिस्टोर किया मनुष्यों के ऊपर आपके और मेरे ऊपर पर वो ये आप समझोगे तो उसको पाओगे अब हम देखते हैं कि परमेश्वर के दासों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व है परमेश्वर की उपस्थिति को जितना आप महत्व दोगे परमेश्वर तो है ही आपको तृप्त करने के लिए है ना आपको देने के लिए वो देने वाला परमेश्वर है है ना इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी किसी का क्या नहीं हुआ है कभी किसी का वो देवाधार नहीं हुआ है कभी भी ना रहेगा ना होएगा आप जो देते हो उसका मल्टीप्लाई करके वो आपको देगा है ना Alleluia. वो कभी किसी का देवा नहीं रखता है ना कभी किसी का वो देवादार नहीं है कर्जदार नहीं है हमेशा वो देने वाला परमेश्वर है मुसा के जीवन में हम परमेश्वर की उपस्थिति को उसको वो कितनी कितना महत्व दे, देता था वो हम देखेंगे निर्गमन तैतीसवा अध्याय बारह से सोलहवीं आयत जब इसराइली प्रजा उनको गुलामगिरी में से निकाला गया परमेश्वर ने नहीं मूसा के द्वारा उस गुलामगिरी की अवस्था में से अपनी प्रजा को निकालने की योजना की और जब ये मूसा उनको निकाल कर ले जाता है वहां पर मूसा परमेश्वर से कुछ बातचीत करता है कि प्रभु यदि ये ना हो ना तो हम उस गुलामी में रहना पसंद करेंगे पर मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा वो क्या बात थी निर्गमन तैतीसवा अध्याय बारह से सोलह सब साथ मिलकर पढ़े इन लोगों को ले चल परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है यहोवा ने कहा मैं आप मतलब मैं खुद तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा हाल आगे पढ़िए आगे यह कैसे जान जाए कि अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर होगी और अपनी प्रजा पर है क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी पर पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे ये किससे पता चलेगा परमेश्वर की उपस्थिति उस प्रजा के संग थी उसके द्वारा यहाँ पर मूसा कहता है कि प्रभु तेरी उपस्थिति यदि हमारे संग ना आए तो हमें यहाँ से आगे मत ले जा कितना वो महत्व देखो आप शायद कभी गुलामी का कोई अनुभव ना किया हो पर मान लो कि कभी बच्चों ने शायद किया हो कभी किसी को बाथरूम में डाल दिया हो या कह दिया हो कि एक रूम तुझे एक दिन इसी रूम में बंद कर दूंगा, है ना? बंधन में है ना इसराइली प्रजा 400 से अधिक साल तक वो गुलामी के अंदर रही है ना ग़ुलामी वो ग़ुलामी का बंधन वो बहुत बड़ा नहीं किसको स्कूल के बच्चे जब आपको नहीं फ्री पीरियड मिलता है या जब स्कूल छूटती है शाम को एक एहसास होता है नहीं अभी छूट गए छूट गए एक छोटी सी स्वतंत्रता तो यह तो कितनी बड़ी स्वतंत्रता थी इजरायली प्रजा के लिए जो इतने सालों से गुलामी के अंदर थी वहां से छूटने का समय आ गया है से वहां से निकल भी चुके हैं और मूसा कहता है कि प्रभु यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ ना आए ना तो हमारे लिए इस स्वतंत्रता स्वतंत्र से अच्छा है कि हम वो गुलामी में ही रहे परमेश्वर की प्रेजेंस का कितना महत्व मूसा के जीवन में था मूसा कहता है कि प्रभु चाहे ये गुलामी है ना रहे पर तेरी उपस्थिति के बिना हम नहीं जाएंगे तेरी उपस्थिति हमारे संग आती है तो ही हमें यहां से तू आगे ले जा हालेलुया आगे दाऊद राजा गीत शास्त्र भजन संहिता सत्ताईसवा अध्याय और चौथी आयत भजन संहिता सत्ताईसवा अध्याय और चौथिया दाऊद राजा के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है उसी के यत्न में लगा रहा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया गया दाविद राजा यहाँ पर कहता है कि यदि मुझे मेरे जीवन में एक वरदान मांगना है ना परमेश्वर से मान लो कि परमेश्वर आपको आके कहे के, मांग मांग बेटा मांग मांग बेटी तुझे क्या वरदान चाहिए आपके मन में क्या आएगा क्या मांगोगे आप क्या मांगोगे यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि से सिर्फ एक वरदान मैंने मांगा है कि मेरे जीवन भर मैं उसके भवन में मतलब उसकी उपस्थिति में बैठा रहूं और उसके सौंदर्य का मैं नहीं नि, उसको निहारता रहूं उसको देखता रहूं जीवन का एक ही वरदान यदि मुझे मांगना है तो मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगता हूं प्रभु ये दाऊद राजा ने मांगा था ये उन्होंने अपने गीत में लिखा है कि यदि मुझे प्रभु से कुछ वरदान मांगना हो तो मैं उसकी प्रेजेंस को मांगता हूं मैं उसकी उपस्थिति को मांगता हूँ बैनी साहब ने उसके विषय में आपने कई बार उनके वीडियो देखे होंगे प्रभु ने अद्भुत उसके दास के द्वारा काम किया और पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारे लोगों तक उनके सेवकाय के द्वारा उनकी सेवकाय के कार्यों के द्वारा परमेश्वर की प्रेजेंस को लोगों ने महसूस किया है ना परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों ने महसूस किया वो अपने जीवन के एक एक, एक, एक स्टेट जहाँ पर एक घटना उनके जीवन में घटी उसका वर्णन वो करते हुए कहते थे कि नहीं परमेश्वर ने उनको हीलिंग का वरदान दिया था है ना कि उनकी सभाओं में उनकी संगति में बड़े बड़े चमत्कार होते थे बड़ी बड़ी चंगाइयाँ होती थी एक दिन एक कॉल आया और उनको एक घर में एक बूढ़ी औरत वो बीमार थी उसके विषय में किसी और ने उनके लिए कहा कि ये बहन यहाँ पर बीमार है आप जाइए और उनके लिए प्रार्थना करिए वो व्हील चेयर पर है ऐसी अवस्था में है कि वो व्हील चेयर पर है और वो उठ नहीं पाती है, है ना हम चाहते हैं कि वो चंगे हो चंगी हो तो वो बैनी हिंद साहब उस घर में जाने के लिए उसके दरवाजे पर आते हैं और वहाँ पर ही जब वो घर के दरवाजे पर आते हैं वो परमेश्वर की घाड़ी अद्भुत प्रेजेंस को वो महसूस करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाला प्रभु का दास था वो परमेश्वर की प्रेजेंस को समझ सकता है जैसे ही वो दरवाजे पर आता है प्रभु का दास वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति को वो, वो महसूस करता है और दरवाजे को खोल कर नहीं जब अंदर जाता है जैसे जैसे वो अंदर जाता है वो और भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है और यहाँ तक कि उसका चलना आगे बढ़ना कठिन हो जाता है और वो प्रभु को कहता है कि प्रभु इतनी अद्भुत आपकी प्रेजेंस यहाँ पर और वो बूढ़े दादी माँ से वो मिलते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे कहा गया है आपके लिए मैं क्या प्रार्थना करूँ ये आ, आपकी जो इस अवस्था है उसमें से प्रभु आपको बाहर निकाले आपको चंगा करे आप यहाँ जितने भी बैठे हो कितने लोग चंगाई के लिए नहीं घर का कोई बीमार है चंगाई के लिए आपके मन में है ना हाथ मत उठा ना कितने लोग चंगाई के लिए हो आए हो आप आप सोचो आपको तो पता है ना आप क्या लास्ट में जब प्रार्थना होगी आप क्या मांग कुछ बुरा नहीं है ना गलत नहीं है पर अभी हम परमेश्वर की प्रेजेंस को सीख रहे हैं वहाँ पर वो प्रभु जो बहन थी बूढ़ी दादी माँ थी वो बैनी हिन्द से कहती है कि सन बेटा मुझे इस, इसी अवस्था में रहना है क्योंकि मैं हर रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ पर हूँ क्या वो खुद प्रार्थना करके खुद चंगी नहीं हो सकती थी पर चंगाई से ज्यादा वो दादी माँ परमेश्वर की प्रेजेंस को महत्व देती है वो कहती है कि यदि मैं चंगी होती तो मैं कभी भी प्रभु के इतने करीब नहीं गई होती क्योंकि हर रोज वो प्रार्थना करती थी हर रोज़ इस अवस्था में उसने प्रभु को छोड़ा नहीं कभी कई बार क्या होता है हमारे जीवन में कुछ दुःख तकलीफ़ आते हैं कई बार तो लोग मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों होता है और उससे आगे प्रभु तूने ऐसा क्यों किया है ना हमारे जीवन में कुछ होता है उसका दोष भी प्रभु के ऊपर हम तो एकदम ठीक ठाक है हम एकदम सही यहाँ पर प्रभु की वो बेटी बूढ़े दादी माँ बैनी इंसाफ़ को कहते हैं कि मैं चंगे होने से ज़्यादा यदि परमेश्वर की प्रेजेंस जो अभी मेरे साथ है मैं इसी अवस्था में रहना पसंद करूँगी और वहाँ प्रभु का दास के आँखों में आंसू होता है कि कितना ये बहन परमेश्वर की ऊपर से नहीं एक एक औरत एक बंदा यदि व्हील पर है उनके लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशी या उनके जीवन की ख्वाहिश क्या होगी कि वो चंगा होकर अपने पैरों पर चले यहाँ पर वो दादी माँ कहती है कि मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस मेरी चंगाई से ज़्यादा महत्व है मेरे जीवन में हाल कितना परमेश्वर के लोग जो उसकी प्रेजेंस को समझ चुके हैं वो उनकी प्रेजेंस के पीछे नहीं एक अपना हृदय उनका हृदय उनका मन परमेश्वर की उपस्थिति में लगा हुआ है मतलब परमेश्वर में लगा हुआ है क्या क्या परमेश्वर की प्रेजेंस में क्या क्या हो सकता है पहला यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा यह किसके विषय में लिखा है उत्पत्ति 22 में यदि आप पढ़ो तो मुसा जब अपने बेटे को लेकर बलिदान करने के लिए जाता है वहाँ पर पहले तो अपने बेटे को ही बांध देता है ना पर जैसे ही वो उसको मारने जाता है ऊपर से आवाज़ आती है कि उसको नुकसान मत पहुँचाना उसको छू मत और वहाँ पर जैसे ही अब्राहम ऊपर देखता है वो एक मेमने को नहीं झाड़ी में फंसा हुआ देखता है और वहां पर लिखा गया है उत्पत्ति 22वां अध्याय 14वीं आयत में कि के पर्वत पर उपाय किया जाएगा प्रेजेंस ऑफ गॉड परमेश्वर की उपस्थिति इज अ प्लेस ऑफ प्रोविजन है ना वो वहां से आपकी आवश्यकताओं को पूरी किया जाएगा यहां मेमना लेकर नहीं गया था अब्राहम, पर उनके लिए वहां पर मेमना परमेश्वर ने रखा परमेश्वर की पर यहुवा का पर्वत मतलब परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर का प्रेजेंस परमेश्वर की हजूरी में जब जब हम आते हैं जाते हैं वो पुराना नियम था नए नियम में क्या है खुद परमेश्वर हमारे अंदर है हमें परमेश्वर की प्रेजेंस को प्रैक्टिस करना है।, है ना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परमेश्वर की प्रेजेंस में और भी उस उसको जितना आप अनुभव करोगे आप उसमें बढ़ते जाओगे आपको किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी जो जो आपकी आवश्यकताएं हैं समय आने पर है ना पहले से सब प्रदान करके नहीं रखेगा जब जरूरत है जब आवश्यकता है कहीं ना कहीं से परमेश्वर आपके लिए उपाय किए करेगा और इसीलिए वचन कहता है कि यहोवा के पर्वत पर मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में उपाय किया जाएगा आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ संकट जो भी चिंताएं हैं उन सब के लिए परमेश्वर का परमेश्वर के पास उपाय है पर कहाँ पर? परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के प्रेजेंस में इसीलिए अकेले बैठकर रविवार को मतलब जब जब संगति मिलती है अकेले बैठकर मत सोचना कि मैं तो नहीं घर पे ही रहूंगी परमेश्वर की देखो एक होता है व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ चलना वो जो बार बार हम पुराने नियम से लेकर नए नियम तक देखते हैं कि मुसा परमेश्वर के साथ चला अनोख परमेश्वर के साथ चला यूसफ परमेश्वर के साथ चला परमेश्वर उनके साथ था क्यों क्योंकि यूसफ परमेश्वर के साथ था यहाँ नए नियम में तो परमेश्वर खुद हमारे संग आ गया है हमारे साथ रहने के लिए हमारे अंदर रहने के लिए है ना हमें सिर्फ उसको महसूस करना है और उसको प्रैक्टिस करना है परमेश्वर के साथ चलना कैसे चलेंगे परमेश्वर के वचनों में रहकर प्रभु का वचन कहता है कि यदि सारी आयतें हम निकालते नहीं है पर युना चौदह में लिखा है कि यदि चौदह पंद्रह में यदि मेरा वचन तुम में बना रहे है ना और यदि मैं तेरा वच्च, मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम मेरे साथ बने रहोगे और उसके बाद जो भी आप मांगोगे वो आपके लिए किया जाएगा मैं हिंदी बाइबल सिर्फ संडे को यूज़ करता हूँ तो मेरा गुजराती से हिंदी हिंदी में मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है ना इसलिए थोड़ी दिक्कत आती कोई बात नहीं यहुआ के पर्वत पर उपाय किया जाएगा दूसरा परमेश्वर की उपस्थिति सुरक्षा देती है सुरक्षा प्रदान करती है देखो इसराइली लोग जब निकले मुसा की अगुवाई में तब उसके पीछे कौन पड़ा था फारून की पूरी सेना और उस समय की फारून की सेना शायद आपको थोड़ा हिस्ट्री बताऊं ना तो उस समय जैसे इस समय पर जो पूरा वर्ल्ड है अब की महासत्ता कौन है पूरे वर्ल्ड की अमेरिका अमेरिका सुपर पावर है वो महासत्ता है उसके पास जितना जो लड़ाई के शस्त्र है वो किसी के पास नहीं है उस समय की जो फारून की सेना था सेना थी वो पूरे वर्ल्ड की पूरी उस समय की जो दुनिया थी उसमें वो महासत्ता थी है ना तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा और उसकी सेना इजरायली सेना के पीछे पड़ी थी और परमेश्वर उस इसराइली सेना को मार देता है ना लाल समुद्र का दो भाग हो जाता है परमेश्वर के लोग वहां से निकल जाते हैं और इसराइली सेना वहां पर अरे सॉरी फारून की सेना मिसर की सेना वहां पर मर जाती परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देता था क्यों क्योंकि दिन में बादलों के रूप में और रात को अग्निस्तंभ नहीं मेघ स्तंभ दिन में मेघ स्तंभ के रूप में और रात को अग्नि स्तंभ के रूप में परमेश्वर उनके आगे चलता था उनके संग रहता था परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग थी इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति उनने उनको सुरक्षा प्रदान किया परमेश्वर की उपस्थिति सुरक्षा प्रदान करती है परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा निर्गमन तैतीस में कि मेरे मैं आप मैं खुद तुम्हारे संग रहूंगा और तुझे विश्राम दूंगा नए नियम में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हे भार से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा आखिर में प्यारो जहाँ पर हम जा रहे हैं ना हमारी जो डेस्टिनी है हम कहाँ जाना चाहते हैं पर हम बोलने के लिए बोलते हैं कि स्वर्ग पर आखिर में वो क्या है परमेश्वर की उपस्थिति आप थोड़ा लंबा सोचो ना तो आखिर में तो उसके बाद भी नया आकाश और नई पृथ्वी है है ना घूम फिर के पृथ्वी पे ही पर नया होगा नया आकाश और नई पृथ्वी उसके पहले एक हजार साल का राज्य जो प्रभु के साथ हमें बिताना है आखिर में जो आदम के पास था परमेश्वर खुद आदम और हवा के पास थे आदम और हवा उनसे बात करते थे परमेश्वर आदम का नाम लेकर उनको पुकारते थे इसीलिए जब उसने पाप किया तो आद, परमेश्वर आकर कहता है आदम आदम तू कहाँ है परमेश्वर उनका नाम लेकर उनको पुकारते थे वही आने वाले समय में जब प्रभु यशु मसीह फिर से आएगा उसके बाद एक हजार राज्य एक हजार साल का राज्य स्थापित होगा हम सब परमेश्वर के संग होंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे जो आदम ने खो दिया था वो परमेश्वर लौटा रहा है और आने वाले समय में भी जब नया आकाश और नया पृथ्वी होगी जब जो प्रभु के लोग होंगे वो प्रभु के संग होंगे वहां सूरज नहीं होगा खुद परमेश्वर इस संसार का उजाला होगा ना। जो जो आदम ने खोया था वो सब सब परमेश्वर फिर से मनुष्य को लौटाने की यो जो योजना है उसमें हम आगे बढ़ते रहे इसीलिए हम समझ रहे परमेश्वर की उपस्थिति आदम ने खो दिया था परमेश्वर फिर से वो वापिस दे रहा है और आज परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में हमारे संग है ओके, बहुत सारी बातें हैं आगे कभी देखेंगे आए हम आंखें बंद करें जो जो हमने सीखा है उसको अपने मन में रिवाइज कीजिए जो जो हमने सीखा है परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना गुणानुवाद करने के लिए अपनी स्तुति करने के लिए अपनी महिमा के लिए रचा है आदम को रचा गया था परमेश्वर के संग रहने के लिए उसकी आराधना करने के लिए उसका स्तुति उसका गुणानुवाद करने के लिए परमेश्वर की वो उपस्थिति में था और आत्मिक रीति से जीवित था जब पाप हुआ भंग हुआ वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया उसको ऐदन की वाटिका से निकाल दिया गया पर परमेश्वर भला है दयालु है उन्होंने योजना की और प्रभु येशु मसीह के रूप में मसीहा के रूप में परमेश्वर प्रभु येशु मसीह ने अपना क्रूसीय बलिदान दिया और जो भी कीमत चुकानी थी पाप की मजदूरी मृत्यु है वो उस मृत्यु की कीमत चुकाई उस पाप की कीमत चुकाई अपना खुद का बलिदान करके और वो वाचा का पवित्र लहू प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र मेमना है उनके द्वारा हम सब के पाप क्षमा हुए जो भी प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाए विश्वास लाए उसका नाश ना होगा पर वो अनंत जीवन पाएंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो कीमत चुका दी है और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणी हुई कि इमानुएल उनका नाम रखा जाएगा परमेश्वर हमारे साथ वही प्रभु यीशु मसीह जब अपना काम पूरा करके जाने वाले थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा पर मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक परमेश्वर की ओर से आपके लिए भेजा जाएगा जो है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर की उपस्थिति को फिर से लेकर आए और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के रूप में वही उपस्थिति आज हमारे संग है और आने वाले समय में भी हम प्रभु की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा हम रहते हैं प्यारों हमें हमारे जीवनों में उस परमेश्वर की उपस्थिति को प्रैक्टिस करना है हमेशा ख्याल रखे कि प्रभु मेरे संग है चाहे दिन हो या रात हो इसीलिए प्रभु का दास कहता है कि प्रभु तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ पॉसिबल ही नहीं है कहीं परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा सदा हमारे संग है यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हो परमेश्वर की आत्मा हमारे संग है वो पुराना नियम था जहाँ पर छोड़ देते थे परमेश्वर की आत्मा ने साउल राजा को छोड़ दिया था और उसके बाद दाऊद को पसंद किया गया नए नियम में परमेश्वर का आत्मा बार बार हमें मौका देता है सिर्फ हमें उसको मायूस नहीं करना है हरेक पाप और पाप के चीज़ों से जो भी प्रलोभन आपको फंसाए ललचाए उनसे दूर होकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर प्रभु में जुड़ते जाइए प्रभु में बनते जाइए और प्रभु के प्रभु का गुणानुवाद करिए अपने जीवन के द्वारा प्रभु की स्तुति करिए अपने जीवन के द्वारा अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर की प्रेजेंस को हर रोज आपको प्रैक्टिस करना है कुछ समय निकालिए प्यारो अपने जीवन में एक होता है व्यक्तिगत प्रभु के साथ बैठना एक होता है कॉरपोरेट वर्शिप जो हम संडे के दिन रविवार के दिन ये साथ मिलकर यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं शुक्रवार को प्रभु के साथ प्रभु की उपस्थिति में साथ मिलकर बैठते हैं पर एक होता है व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ना जितना समय आप प्रभु के साथ बिताओगे वो और भी आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस करोगे प्रभु ने वायदा दिया है वचन दिया है और वो कभी बदल ना बदलने वाला परमेश्वर है उसने कहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा मैं दूसरा सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा और वो है पवित्र आत्मा प्यारो कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं भी मूसा के समान तेरी उपस्थिति को मेरे मह मेरे जीवन में महत्व देना चाहता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस है वो परिस्थितियों को बदलती है परमेश्वर की प्रेजेंस है जो आपके जीवन के हर एक पड़ावों में जहाँ कहीं भी आप, लग, आपको लगता है कि मैं फंसा हुआ हूं मैं यहां से आगे निकल नहीं पा रहा हूँ मेरे लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है परमेश्वर की प्रेजेंस में आइए प्यारो कम टू द सॉल्यूशन ग्राउंड परमेश्वर की उपस्थिति है जो लोगों के जीवन को बदलती है मुस्सा ने उस जलती हुई झाड़ी में उस आग को देखा और परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी परमेश्वर मुस्सा को नाम लेकर पुकारता है कि मुस्सा मुस्ा मैं अब्राहम, मैं इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ परमेश्वर आज आपको कहता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी मैं तेरे मैं तेरा परमेश्वर हूं प्यारो अपने जीवन के लिए जो कुछ भी है परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी आप जाओगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से हाँ यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से साथ मिलकर तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से, से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यशु तेरे छोने से येश तेरे छोने से मुर्दे भी जी उठते हैं मुर्दे भी जी उठते हैं येशु तेरे छोने से तेरे छूने से गाना जारी रखे यीशु तेरे छूने से प्यारो आपको जीवन की कोई भी मुर्दी अवस्था हो ऐसी कोई भी अवस्था जो आपके जीवन में आपको लगती है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ प्रभु की उपस्थिति प्रभु का आना वो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा ऐसी कोई भी बीमारी भी हो प्रभु की प्रेजेंस आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगी प्यारो आप यदि उस उपस्थिति उस उपस्थिति में उस हुजूरी में रहना चाहते हो चलना चाहते हो मांगे प्रभु से कि प्रभु मैं हर समय हर क्षण तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ प्रभु मुझे हर रोज वचन पढ़ने का तू अनुग्रह दे हर रोज प्रभु मैं सिर्फ तुझे प्रतिज्ञा ना करूं पर मेरे जीवन में मैं काम करूं हर रोज तेरी हजूरी में बैठूं हर रोज मैं तेरे वचन को पढूं हर रोज मैं तुझसे बातें करूं और तेरी उपस्थिति में मैं बढ़ता जाऊं प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे संग है पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु मैं उसमें और भी बढ़ना चाहता हूं प्रभु मेरी सहायता कर और प्यारो प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करेगा वो हमारा सहायक है जहां कहीं भी हम कमजोर है परमेश्वर अपने सामर्थ्य को उंडेलोगा उस कमजोरियों के ऊपर आपको निकाल ऐसी कोई बाधा नहीं रहेगी कि आप प्रार्थना में नहीं बैठ पाओगे ऐसी कोई बाधा नहीं रहेगी कोई रुकावट नहीं रहेगी कि आप वचन को ना पढ़ पाओ प्यारो प्रभु से मांगिए, वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जो हमारे संघ है वो हमारी सहायता करेगा वो आपकी सहायता करेगा आप जहाँ कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हो कई बार लोग आकर कहते हैं कि साहब हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हम प्रार्थना में नहीं बैठ सकते हैं हम बाइबल लेकर बैठते हैं पर वचन पढ़ना नहीं होता है प्यारो आज उस सारे बंधावनों में से पवित्र आत्मा आपको छुड़ाएगा आप मांगिए आप मांगिए, पवित्र आत्मा आपका सहायक है पवित्र आत्मा आपका सहायक है वो अपने सामर्थ को हर हरेक कमजोरियों को आप में से निकालेगा और परमेश्वर के सामर्थ से आपको भर देगा परमेश्वर की हुजूरी में आप बने रहोगे आपकी कोई भी समस्या हो आप प्रभु से कहिए और परमेश्वर की प्रेजेंस आपके लिए परमेश्वर की हुजूरी वो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा उपाय है परमेश्वर के पहाड़ पर परमेश्वर के पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति पे उपाय किया जाएगा कौन सी समस्या है परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में बहुत आयत से काम करेगी प्यारो यदि आप कोई भी समस्या के कारण आए हो अपने बेटे बेटियां भाई बहन कोई भी ऐसी चिंता किसी भी व्यक्ति के विषय में आपको चिंता है आप उनके लिए प्रार्थना करते हो यदि आपके परिवार में कोई बीमार है आप उनके लिए प्रार्थना करते हो आए हमारे स्थानों पर खड़े हो आए हमारे स्थानों पर खड़े हो आपके जीवन में भी जो कुछ भी आप चाहते हो कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं आज से तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महत्व दूंगा मैं तुझसे जुड़ा रहना चाहता हूं जैसे तेरे दास तेरे दास साथ जुड़े रहे प्रभु तूने हमारे लिए तो काम आसान कर दिया है पवित्र आत्मा हमारे संग है आपकी प्रेजेंस हमारी संग है हमें सिर्फ उसमें बढ़ते जाना है उसमें आगे बढ़ना है तुझसे जुड़े रहना है तेरे वचन के द्वारा हम तेरी पहचान में बढ़ेंगे हम प्रभु रोज तेरे लिए समय निकालेंगे प्रभु तू तो हमें मिलना चाहता है पर प्रभु हम कहते हैं कि हम प्रभु 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 हम भी से बहुत प्यार करते हैं और हम तेरे प्रेम में बढ़ना चाहते हैं प्रभु तू, तू तो हमें पवित्र करना चाहता ही है पर प्रभु आज हम कहते हैं कि प्रभु हम तेरे समान पवित्र बनना चाहते हैं हम तेरे समान तेरे गुणों में तेरा तेरी पहचान में हम बढ़ना चाहते हैं प्रभु जैसा तू है वैसा हम बनना चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए तो प्यारो चुप मत बैठे रहे प्रार्थना करिए प्रे 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 प्रार्थना करिए प्रार्थना करिए जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर को महिना महिमा देना चाहते हैं परमेश्वर की प्रशंसा करें परमेश्वर की महिमा करें कहे कि प्रभु तू बड़ा है प्रभु तू बड़ा है प्रभु तू भला है प्रभु तू तू हमारे जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु तू पवित्र है प्रभु तू सारी सृष्टि को संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु तू समुद्र की सीमाओं को बांधने वाला परमेश्वर है प्रभु तू तारों को नाम देने वाला परमेश्वर है तारों को नाम देकर पुकारने वाला परमेश्वर है और प्रभु तु ने कहा है कि मेरा भी नाम तू जानता है मेरा नाम तेरी तेरी हथेलों में हथेलियों में प्रभु आपने खोदा हुआ है परमेश्वर पिता यदि आपने मुझे बुलाया है प्रभु आज तेरी महिमा की बारिश इस जगह पर हो प्रभु रहा प्रभु जो कुछ भी वो चाहते और सबसे ज्यादा प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज वो तेरी आत्मिक आशीषों को मांगे प्रभु तेरी आत्मिक आशीषों को मांगे प्रभु प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने जीवनों में मांगे लॉर्ड इफ आई यू हैव कॉल्ड मी यदि आपने मुझे बुलाया है

प्रभु भौतिक से बढ़कर जो भी आत्मिक आशीष आज वो मांग रहे उनके जीवनों में लिए प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की बारिश उनके जीवन में हो प्रभु तेरा अभिषेक उनको छुए प्रभु तेरा अभिषेक उनको भरे प्रभु हरेक आत्मिक वरदान जो भी वो मांग रहे प्रभु आज तेरे आत्मिक वरदानों से उनको भरिए रिसीव 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 करिए प्यारो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है आत्मा जो हमारे अंदर है प्रभु का वचन कहता है कि आपके आंसू आनंद में बदल जाएंगे वो आपके आंसुओं को पूछेगा आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे कौन सा ऐसा दुख है प्रभु कहता है कि आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे आले खाता या रिपा खाता प्रभु यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करता है आज इसी वक्त प्रभु आपका आत्मा उनको छुए और वो चंगे हो जाए यशु मसीनाद्रे के नाम में प्रभु यदि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर आत्मिक आशीषों को मांगा है प्रभु तेरा पवित्र आत्मा आज उनको छुए उनको बरे उन आत्मिक वरदानों से बरे यशु मसीनाद्री के नाम में बरिए प्रभु अपने लोगों के जीवन में काम करिए अपने लोगों के जीवन में काम करिए प्रभु अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति कीजिए प्रभु यहोवा आके पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में उपाय किया जाएगा प्रभु जो भी उपाय के कारण वो आए हैं, जो भी उपाय के लिए वो आए हैं, आज उनके जीवन में वो उपाय किया जाए शुमती नाद्री के नाम में कोई भी यदि कई समय से बहुत लंबे समय से यदि दुष्टात्माओं के बंधन में है कोई भी ऐसी वाचा कहीं पे भी आपके पूर्वजों के द्वारा या किसी के भी द्वारा कहीं पर बांधी गई है कोई भी ऐसा दुष्टात्मा जो बरसों से कई जीवनों में काम करता है प्रभु यशु मसीनाथरी के नाम से उन हरेक पुरानी वाचाओं को किसी स्थान पर जाने के द्वारा कोई भी बलिदान या अर्पण चढ़ाने के द्वारा वो हुई है आज यशु मसीना के नाम से प्रभु मसीह के लहू में मैं उसको रद्द करता हूं तोड़ता हूं जीजस क्राइस्ट प्रभु यशु मसीना के नाम में, में।, में स्वतंत्र हो जाओ हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाओ वो आत्मा कभी इस जीवनों में कार्य ना करने पाए ऐसा कोई भी बंधन इस जीवनों में ना रहे यशु मसीनाधरी के नाम में परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के 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 इस इस समय के लिए इस के लिए उपस्थिति प्रभु हरेक के जीवनों में आप जो भी काम करना चाहते हो प्रभु आज हम कहते हैं कि प्रभु हम तैयार है तू हमारे जीवनों में काम कर तेरी योजनाओं को हमारे जीवनों में पूरी कर प्रभु तूने हमें अपना गुणानुवाद करने के लिए तेरी महिमा के लिए तूने हमें रचा है प्रभु जिस योजना के तहत आपने हमें रचा है व्यक्तिगत रीति से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी योजना पूरी हो जाए मेरे जीवन में तेरी योजना पूरी हो जाए धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु प्यारो धन्यवाद करें जो जो आपने मांगा है विश्वास के साथ धन्यवाद करें कि वो आपको मिल चुका है प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना करते हुए जो भी आप मांगो विश्वास रखो कि वो आपके लिए हो गया है और वो आपके जीवन में हो जाएगा धन्यवाद करें धन्यवाद करें धन्यवाद करें सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु तू हमारी चिंताओं को अपने क्रूज के ऊपर लेकर हमें संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारी छोटी से छोटी प्रार्थना को प्रभु आप हाँ आप सुनते हो हमारी योग्यता से ऊपर प्रभु तेरा प्रेम है हमारी योग्यता से ऊपर प्रभु तेरा तेरा कृषि बलिदान है क्योंकि तू हमें प्यार करता है प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद हमें कभी ना छोड़ने वाली तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु हम भी तुझसे जुड़ना चाहते हैं तेरे प्रेम में बने रहना चाहते हैं प्रभु हमारी सहायता करे सारा आदर मान महिमा गौरव और झलाल सिर्फ आप ही को देते हैं बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशु मसीनाधरी के नाम से मांगते हैं कलिशा एक साथ करके कहे हामे हा आए परमेश्वर ने सिखाई हुई प्रार्थना हम साथ मिलकर बोले परीक्षा माना लाओ तो मुंडाई थी हमारा छुटको को इसे राज्य तथा पराक्रम तथा मेन तथा से का महाराज अब उस महान पिता परमेश्वर का अद्भुत गहरा प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह फेवर और पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसकी संगति उसकी सहभागिता आज से लेकर हमेशा हर एक विश्वासियों के जीवन में कलीसिया के साथ बनी रहे हमें